बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। यहाँ मैं आज बना रही हूँ मूली, और इसके लिए मैंने मूली को पहले अच्छे से ग्रेट कर लिया था, और अब मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। सारा स्क्वीज करेंगे पानी इस तरह से। अब यहाँ मैंने हाफ कप के करीब तेल लिया है, जिसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें मैंने जिंजर डाल दी है, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा। इसको बारीक चॉप कर लिया था। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तेल में, और यहाँ मैंने 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया है। अब यहाँ इसमें मीडियम साइज की प्याज ऐड करिए, और इसको अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करूंगी मैं। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब ये हल्दी ऐड करिए, हल्दी तकरीबन है 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये स्पाइसेस बिल्कुल रेडी थी, तो मैंने इसमें मूली ऐड कर दी है, जो कि हमने ग्रेट की थी, और उसके बाद उसका पानी स्क्वीज कर लिया था। ये तकरीबन 500 ग्राम्स मूली थी, जिसको मैंने अच्छे से पील ऑफ करके ग्रेट कर लिया था। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, और 2 से 3 मिनट बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, और ये ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए, अब इसको अच्छे से फ्राई करना है। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, और ये रेडी है। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो काइंडली आप शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हम गार्निश कर देंगे धनिया, और इसका फाइनल लुक है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।